है। जम्मू कश्मीर राजौरी में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप। राजौरी नौशेरा सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को गश्त के दौरान सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर वाहनों की आवाजाही बंद करा दी गई। पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंच संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने इसकी जांच कर उसे विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। हाईवे पर संदिग्ध वस्तु मिलने से राजौरी में हड़कंप सा मच गया है। करीब डेढ़ महीने पहले ही हाईवे स्थित शहर के कलर इलाके में आईडी मिली थी। अब दूसरी बार ऐसी ही चीज मिलने से सेना और पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। अब से ठीक दो हफ्ते बाद पुष्य तिथि बाबा बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में हाईवे पर सड़क किनारे आईईडी और बाद में संदिग्ध वस्तु का मिलना किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है। सेना या पुलिस इस संबंध में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, मगर सूत्रों की माने तो राष्ट्र विरोधी तत्व श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं। सेना ने पूरे इलाके में अपनी गरज पहले से ही तेज कर दी है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है व जांच शुरू कर दी है। सेना पुलिस व अन्य एजेंसियों आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्करों पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है। करीब दो महीने पहले पुलिस ने कलर इलाके से ही आतंकवादियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।